हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ भी क्रिस गेल के अंडे इतना हाफ क्यों नहीं है तू? कितनी बार कह रहा लोगों की चीजें उठा के मैं भागा कर। Excuse me? अरे लोगों की चीजें उठा कर नहीं भागी हूँ, वो तो मैं तो देश के लिए भाग रही हूँ। अच्छा। Hello, hi Veda, how are you? Hi Julian, hi. वैसे मैं हूँ भूरी, राइट आर्म फास्ट बॉलर और राइट हैंड ओपनिंग बैट्समैन। ओह माय गॉड। ओह डकवर्थ लुईस की छोटी बहन। ये हुलिया क्या बना के रखा है ये? What is this rubbish? It is not rubbish, ये क्रिकेटर की पहचान है। मुंह पे चूना लगाने से कोई क्रिकेटर नहीं बनता। अभी देखना, इसने मुंह पे चूना लगाया ना, थोड़ी देर में तो कत्था लगाएगी, फिर लगाएगी किमाम। मेन काम इसका पान लगाने का है बेसिकली। ये तो ऐसे ही आ गई है। टप्पू ये सनस्क्रीन है। जैसे तेरा मुंह स्क्रीन गार्ड लगाया करते। तुम्हें जितना स्क्रीन गार्ड लगवाना है लगवा लो, तुम्हें तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन सिक्योरिटी गार्ड मेरे आगे मेरे पीछे होंगे। हाँ हाँ, हाथ में हथकड़ी होगी, मुंह पे काला कपड़ा। और खबर छपेगी, मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। क्रिकेटर ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। उन लड़कियों ने पता कितनी मेहनत की है? हाँ तो मैंने भी की है, मैं एमी थोड़ी ना बन गई हूँ क्रिकेटर। अरे ऐसे ऐसे शॉट्स मारती हूँ कपूर, तुम क्या शॉट मार के दिखा, शॉट मार के दिखा। ओह लवली, वाह वाह वाह, शॉट मार रही, चिल्लम मारना छोड़ दिया तू। अभी शॉट मार रही ना, थोड़ी देर बाद ये ना सेब मारेगी, फिर अंगूर मारेगी, जेब मारेगी। ये मारने में तो इनके खानदान का जवाब ही नहीं है, और धीरे धीरे करके आपके पर्स भी मार सकती है ये बल्ला भी पक्का किसी का मारा होगा इसमें। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरा हेलीकॉप्टर शॉट देख के वो धोनी सर बहुत खुश हो गए, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है बैट। काम तेरा बछड़ों का डायपर धोने का। बातें एमएस धोनी की कर रही, क्यों झूठ बोलती बुरी इतना? देखो डायपर धोने का जॉब हाफ टाइम है, फुल टाइम मैं क्रिकेटर हूँ, ओके? वैसे मिताली आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने भी रेलवे की तरफ से खेला है। हाँ बिल्कुल, पहले बात मैं ये बता दूं, पटरी पे बैठ के ताश खेलना उसको ये नहीं कहते कि रेलवे की तरफ से खेल रहे हो। झूठ बोल रही है कुछ भी कहता रहता है। मुझे क्रिकेट मेरे दादाजी ने सिखाई है, पता है कितने बड़े बैट्समैन थे वो। अरे वो जो डाइव मार के फिर वो कैच भी करते थे ना, वो वाज अ बिग क्रिकेटर। पूरा बता कहाँ पे करते थे कैच? रेलगाड़ी में निकलती, लोग पानी पी के बॉटल नहीं फेंकते ऐसे करके कैच। वो उसमें दोबारा पानी भर के 5-5 रुपए की बेचते मिनरल वाटर। देखो तुम जानते नहीं मेरे दादाजी को, वो फील्ड पे उतरते ही धो डालते थे, बड़ी पाइप लेके जाते थे, कहते पीछे हट जाओ। हाँ क्रिकेट में ही धोते थे, मैं बोल रहा हूँ बॉल जब नाली में चली जाती धो के वही लाते। अरे बैट से बॉलर को धोते थे। ओह अच्छा। अरे कदमों का इस्तेमाल करना मैंने उन्हीं से सीखा है। हाँ आपको पता है पूरा कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती है, कदमों का इस्तेमाल करते करते पैदल दिल्ली निकल जाती है। फिर कदमों का इस्तेमाल करते करते किसी की शादी में घुस जाती है। उस दिन तो पकड़ लिया इसको दूल्हे के बाप ने। हाँ कढ़ाई पनीर खा रही थी, अच्छा पनीर खाने के बाद कढ़ाई ढूंढ रही थी, कढ़ाई कहाँ है? इतना सैड जोक था ना तुम्हारा, अब तुम बोलोगे कि मैं तवा पुलाव में तवा भी ढूंढ रही थी। हाँ तो केटरिंग वाला ढूंढ रहा था, कहता पुलाव खा गई तवा तो वापस कर। देखो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ना, मैंने ऑल इंडिया अंडर 17 के कैंप में भी जा चुकी हूँ। वो नशा मुक्ति कैंप था। देखो जिसे स्पोर्ट्स का नशा हो उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती। स्पोर्ट्स का नशा तो है इसको, ये जो बैट है ना बैट, इसकी जो ग्रिप है ना रबड़ की, उसको जला के सूंघती है। इस आदमी के पास ना हर बात का एक फालतू जवाब होता है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे। ओके ओके मिताली, मैं क्या बोल रही हूँ कि वर्ल्ड कप हम लेकर आएंगे, तो अगर आप चाहो तो मैं आपकी बेस्ट फिनिशर बन सकती हूँ। हाँ हाँ ले लो ले लो।
बहुत अच्छा फिनिश करती है, किसी की जूठी दाल पड़ी हो ना ऐसा चाट के फिनिश करेगी ना ये। वो ऐड नहीं आता, वो जो ऐसे बर्तन धोने वाला उसमें दिखाते ना 99.9% कीटाणु, उसमें एक दो रह जाते ना, ये वो भी साफ कर देती है। बकवास बोलने का अवार्ड शो होना तो इन्हें वो पहला अवार्ड मिलेगा। थैंक यू। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी कि अगर आप चाहो तो क्रिकेट फील्डिंग का सेटअप मैं कर सकती हूँ। फील्डिंग तो ऐसी लगाती है ना ये कि एटीएम से पैसे निकलवा के कोई भाग नहीं सकता। इसका 13-14 लड़कों का ग्रुप है इसके साथ, ये 10 साल से छोटे और 70 साल से ऊपर वाले लोगों को लूटती है क्योंकि बीच वाले पीट जाते हैं तो इनका एक पूरा गिरोह है इनका। देखो तुम डिविएट मत हो टॉपिक से। मैं कह रही हूँ अगर आप मुझे अपनी टीम में ले लें तो वुमन ऑफ द मैच का जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं गरीबों में बांट दूंगी। गरीबों मतलब इसकी फैमिली। मैं तो आपकी इसकी हरकतें नहीं, मैं बताता ये ऐसे ही सुंदर सुंदर बन के आई थी, पता क्या हरकतें करती, शरीर के साथ चुंबक बांध के ना वो दरिया में कूद जाती, सिक्के निकाल के लाती है। एक बार तो इतने चिल्लर इकट्ठे हो गए, खुद 37 किलो की 50 किलो चिल्लर डूबने लगी थी। तुम बड़ा फॉलो करते हो मुझे। हाँ तो करते हैं। और तुम जो बोल रहे हो ये मेडल्स क्या मुझे लूडो में मिली है फिर? हाँ बेटा निकाल के देखो, मेडल पकड़ के देखो जरा, पकड़ के, ये इतनी झूठी ना भी पता चल जाएगा, दबा के देखो, ये चॉकलेट है ये। अभी 2 मिनट और खड़ी रहती मेडल पिघल जाता है इसका। ये वाकई चॉकलेट है? किस किस बच्चे के मार के आए हो? कपू शर्मा तुम ना अब मेरा बल्ला बोलेगा, तुम बेड़ा गढ़ करना कोई तुमसे सीखे, मैं ना तुमसे बाद में निपटूंगी। टिल देन ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। थैंक यू। मुझे डीजे का रोल मिला है। ओए, चूहे के मुंह से दलिया छीनने वाली लड़की, तुझे कौन देता है इतने सारे कैरेक्टर हैं? टैलेंटेड हूँ, मुझे मिल जाते हैं कैरेक्टर्स। टैलेंटेड तो बहुत है शानुदा, लोग सेल्फी कैमरा से फोटो खींचते ना, ये होठों से कैमरा खींच लेती है। डीजे का काम पता है तेरे को क्या होता है? ऑफ कोर्स गाने मिक्स करना होता है। जो तू मिक्स करती ना उसको डीजे नहीं बोलते? दादा ये लस्सी में बियर मिक्स कर देती है। और लड्डू में ऐसी भांग मिक्स करती ना, बड़े बड़े भंगेड़ी आते हैं खाने। उनमें से एक ये भी है इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आई बड़ी थी। चल सुना फिर, क्या क्या मिक्स किया सुना। समीर सर, शानुदा, एक गीत नजर करती हूँ। नजर तो मैं बताता हूँ इसकी, आपकी ना सोने की चैन पे है दादा। नजर वजर सुनना भी मत, ये तो मॉल में जो चेकिंग नहीं करती सिक्योरिटी वाली, उसका मंगलसूत्र ले उड़ी थी ये। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी कपूर। अभी की अभी कर, बाद में तो मिलती पैसे मांगती है। मैं क्यों तुमसे पैसे मांगूंगी? जुआ खेलना होगा तुझे और क्या, जुएड़ी कहेगी। कपूर शर्मा, लोग यहाँ जिंदगी से जुआ खेले और हम पत्तों के साथ जुआ ना खेले। क्या बात है, ये हेडफोन का फंदा लगेगा, एक दिन मरेगी तू देखना। ऐसे सर, मैं ना आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आशिकी फिल्म के सारे गाने तो मेरे फेवरेट हैं। सर क्या गाना लिखा है आपने, और शानुदा अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे तो आपकी आवाज सुन के ना पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। थकावट होती होती कैसे बता ना शानुदा को, दादा सारा दिन ना घूम घूम के जली हुई बीड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करती रहती है और शाम को बीड़ी पुलाव बनाती है। जहाँ से तू बीड़ियां लाती है। नहीं पता तुमको म्यूजिक के बारे में तो चुप हो जाओ ना। तेरे को पता पता, तू तो तानपुरा के साथ पैदा हुई थी ना, बड़ी आई ढोलकी कहीं की। अच्छा ना मैम, 90s का क्या एरा था, व्हाट अ लवली एरा। शानू तो आपका वो गाना है एक आश के हम होश में अब ना अपन। हाँ, हाँ, वो गाना सुन के कच्ची की पूरी बोतल पी जाती थी। बुरी इनको वो सुना ना,
परदेसी परदेसी दादा को सुनाया? नहीं नहीं, वो मैंने आज रियाज नहीं किया। रियाज तो ट्रेन में कौन सा रियाज करके गाती है, सुना ना। कपूर तुम जिस हुनर का मजाक उड़ा रहे हो वो मुझे अपने दादाजी से विरासत में मिली है। दादा से तो खुद तू पुलिस हिरासत में मिली थी, तू तो विरासत में कौन सी मिली तू? मतलब ये कुछ भी बातें कर रहे, फालतू बातें किए जा रहे दादा। अच्छा मेरे दिमाग में ना एक डाउट है कि आप दोनों ने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं, दुनिया भर के कोने कोने तक म्यूजिक पहुंचाया है, तो फिर आप लोगों ने हॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए गाना क्यों नहीं बनाया? उनकी फिल्मों में गाना है ही नहीं। अच्छा अब सोचिए अवेंजर्स फिल्म में अगर आयरन मैन गाना गाते हुए आता। ऐसी तेरी बातें सुन ली ना थानोस ने, अवेंजर में से बाहर निकल के थॉर का हथौड़ा तेरे मुंह पे मारेगा वो। मतलब आयरन मैन गाना जीता था जिसके लिए, कितना मजा आ जाता देखने में आयरन मैन को, जीता था जिसके लिए मजा आ जाता। भिखारियों की राजकुमारी इधर आ, इधर ज्यादा एक्टिंग ना करके दिखा, इधर बता करने के आई है। सभी सर मुझे आपकी तरह क्लियरिस्ट बनना है, एक छोटा सा एक रोमांटिक मुखड़ा लिखा है, तू प्यार है किसी और का, तुझे झेलता कोई और है। पर तू शर्म कर, उनका गाना उन्हीं के सामने सुनाई जा रही है। ये शानुदा बिलीव नहीं करोगे आप, उस दिन दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ थूकना मना, कहती है मेरे दादाजी के लिरिक्स है। नहीं मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी शानुदा, एक फरमाई जो ये पूरी करने दे नहीं रहा मेरा मुखड़ा देख के, अगर आपका कुछ मन के तो एक कुछ गुनगुना दीजिए। दादा सच बोलना, आपको देख के गाना याद आता कोई? कोई आ नहीं रहा लेकिन कोशिश कर रहा। नहीं ना, नहीं नहीं आया 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 आया। थैंक यू सो मच शानुदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वाली कोई बात नहीं, तेरे मुंह पे कह रहे हैं कि तू चले जा, तेरे से अच्छा जहर पी लेंगे। फिर भी तुझे शर्मा जी लेंगे हम तेरे बिना। हाय हाय, क्या बोल के गई है? बच्चों की टोपी छीनी वापस करके जा, मेरी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.